अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेजबान गुलजार अहमद गुना। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजमर्रा हमें ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं जिससे इंसानी दिल गमजदा हो जाते हैं। आपने हाल ही देखा कि सांबा में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान ब्रहरूनीपोरा के एक ही खानदान के चार लोग इस वाकये में जान बहक हो गए, जिससे न सिर्फ वहां के जम्मू के लोग बल्कि कश्मीर के लोग भी गमजदा है। आज एक ऐसा वाकया सामने आया कि इंसानी दिल रोने के साथ साथ गमजदा है और हर आंख नम है। वाकया एक कमसिन बच्चे का है। ये बच्चा 15 तारीख को लापता होता है और आज इस बच्चे की लाश गुजरपति जंगल कुपवारा से बरामद होती है। इस बच्चे का नाम तालिब हुसैन है और जो ही ये बच्चा लापता हो जाता है, इसके जो घर वाले हैं वो इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि पुलिस ने इस हवाले से इनाम का ऐलान भी किया था, लेकिन आज इस मासूम बच्चे की लाश गुजरपति जंगल से बरामद हुई है और जो ही इस बच्चे की लाश आउरा गांव के में पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। औरतें सीना कोबी करते हुए बाहर आई, बच्चे बूढ़े औरतें हर एक की आंख नम थी और हर एक का दिल गमजदा था और ये मांग कर रहे थे आखिर इस बच्चे के साथ किस तरह का वाकया पेश आया। पुलिस ने पहले ही इस हवाले से केस दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आया।